हेलो फ्रेंड्स, हैप्पी करवा चौथ। ये जो साड़ी मैं उस दिन लेके आई थी, आप लोगों को नहीं दिखाया था, वही साड़ी मैंने करवा चौथ वाले दिन पहनी है। मेरी साड़ी कैसी लग रही है, क्योंकि फॉल वगैरह लगाने के लिए मैंने दे दिया था, बताया था आप लोगों से। और मैंने अभी ये शाम की क्लिप है मेरी, करीब रात 8:30 बजे की क्लिप है, तो मैंने कहा छोटी सी क्लिप निकालते हैं। तो अभी पूजा करने के बाद की है, मैं अभी चलनी लेके खड़ी थी। और ये मेरे सोसाइटी की छोटी सी क्लिप है। मैं यहाँ पर शाम को सारी औरतें आ गई थी, क्योंकि मैं नीचे उतर जाऊँ और कोई आए ना, ऐसा हो नहीं सकता है। केवल एक बार जान जाए कि मैं नीचे आ गई हूँ तो सब औरतें आ जाती हैं। ये मेरी फ्रेंड है, इसने भी करवा चौथ का व्रत रखा है। हम दोनों साथ में फ़ोटो खिंचा रहे हैं, नीचे खूब इंजॉय किया, बातें किया ढेर सारी। क्योंकि औरतों को क्या रहता, सुबह से तो काम में पूरा दिन चला जाता, काम करते करते पूरी शाम हो गई थी, तो पूजा हो गई। रात में ये 10:30 बजे की क्लिप है। रात में 10:30 बजे हम लोग बाहर नीचे निकले हैं अपनी सोसाइटी में, तब हम लोगों ने थोड़ा बातें किया और खूब मिले और काफ़ी कुछ आपस में शेयर किया। सब क्या देखती लेडीज, ये तूने क्या पहना, तूने क्या पहना है। और ये भी मेरी फ्रेंड है, ये भी करवा चौथ करती है, तो ये ऊपर से दौड़ कर आ गई, भाभी आ जाओ फ़ोटो निकालना है मुझे। हमने कहा ठीक है आ जा। फिर साथ में हम लोग मिलके फ़ोटो निकाले हैं। और करवा चौथ वाले दिन बहुत अच्छा लगता है, बहुत मज़ा आता है। और हमारी सोसाइटी में ज़्यादा लोग नहीं रहते, बहुत कम लोग करवा चौथ करते हैं। और आज के दिन तो सारी औरतें खूब सस्ती सवरती हैं और सभी बहुत सुंदर दिखती हैं, बहुत अच्छी दिखती हैं। और ये हमारी एक भाभी है, ये भी खड़ी थी, तो बोली मैं नाइटी पहनी हूँ कैसे आऊँ तेरे साथ। तो ये करवा चौथ नहीं करती, फिर भी खड़ी थी, क्योंकि हम लोग निकाल रहे थे, अच्छा नहीं लगा, तो मैंने उसको बुला ली, मैंने कहा तू भी आ जा। और मैंने आज खाने में अपने घर में ये अपनी, क्योंकि लहसुन प्याज मैं खाने में नहीं डालती, करवा चौथ माता को मैं लहसुन प्याज का खाना नहीं चढ़ाती, तो मैंने टमाटर और काजू डाल के और थोड़े मसाले डाल के उसको ग्राइंडिंग कर दिया है, पीस दिया। फिर उसमें थोड़ा सा देसी घी डाल के, मैं तेल की सब्ज़ी भी नहीं बनाती करवा चौथ वाली दिन, मैंने थोड़ा देसी घी डाल करके फिर उसको मैंने मिक्स किया और शिमला मिर्ची डाल दिया। क्योंकि मैं शिमला मिर्ची की सब्ज़ी इसलिए बना रही, क्योंकि आप लोगों से शेयर, मैंने मशरूम बनाया उससे एक दिन पहले, पनीर बनाया था, मैंने कई इस तरह की सब्ज़ी थोड़ी मैं आप दूसरी बनाती हूँ, इसमें मटर शिमला मिर्ची वगैरह बना के और मिक्स शिमला मिर्ची जो होती है, तो मैंने शिमला मिर्ची डाल दिया इसमें। और बाद में मैंने मलाई डाला, ये मलाई पूरा पतीला मेरा भरा था, मैंने फ्रीजर में रखा है, तो निकाला तो फिर मैंने मलाई इसमें डाल दिया, देसी घी डाला है, शिमला मिर्ची डाल दी, काजू और टमाटर का पेस्ट उसी में, लहसुन नहीं डालना है, प्याज नहीं डालना है। और सब्ज़ी बहुत अच्छी बनती है, बहुत टेस्टी बनती है, केवल मलाई थोड़ी होनी चाहिए आपके पास बस। और मलाई मैंने लास्ट में ये देखी, अभी इसे घी नहीं छूटा है, अभी इसमें घी छोड़ेगा और अच्छे से इसको भूनेंगे, बन के तैयार हो गई है सब्ज़ी मेरी 5 मिनट के बाद। और मेरी पूड़ी अभी निकल रही, माता रानी को मैं करवे में भरती हूँ पूड़ी को, क्योंकि मेरी माँ ने जो मुझे सिखाया है, जो बता दिया है कि पूड़ी और बूंदी चूर के लड्डू मैं करवे में भरती हूँ, तो मैं हमेशा आज इतने सालों से मैं पूड़ी और बूंदी चूर के लड्डू ही भरती हूँ। लोग बहुत सी सब जगह की रीति रिवाज अलग अलग रहते हैं, भरते हैं, कोई चूड़ा भरता है, कोई लाई भरता है, कोई पिन्नी की चावल के आटे की भरती है। तो चावल के आटे तो हम भी भर सकते हैं, पिन्नी बनाते हैं, लड्डू बोलते, चावल के आटे को पिन्नी बोलते लड्डू का, तो मैं तो नहीं बनाती हूँ, क्योंकि मेरी माँ ने वही बूंदी चूर के लड्डू और पूड़ी बता दिया है, तो मैं वही भरती चली आ रही हूँ। जो पहले बोलते हैं पहली बार कर लेते हैं, जो माँ ने मुझे सिखा दिया, बस उसी प्रथाओं को मैं निभाते करते चली आ रही हूँ। और मेरी छोटी छोटी प्यारी प्यारी पूड़ियाँ निकल के रेडी हो चुकी है, क्यों मैं छोटी, क्योंकि करवे का मुँह छोटा रहता है ना, तो मैं करवे में भरूँगी लड्डू और पूड़ी, तो मेरी पूड़ियाँ बनके तैयार हो गई है। और मैं इतने ज़्यादा खाना नहीं बनाया, क्योंकि मिस्टर मेरे गांव गए हुए हैं आज, बहुत क्लोज बहुत अच्छे फ्रेंड हैं, गांव से मिस्टर मेरे फ़ोन कर रहे हैं कि नहीं बच्चों को भेज दो, क्योंकि नहीं भेजोगे तो नाराज़ हो जाएंगे, क्योंकि बहुत अच्छा उनसे हमारा व्यवहार है। तो दोनों बच्चों को रात में मैंने 9 बजे भेजा था बर्थडे में, फिर बच्चे दोनों गए थे, बच्चे बोले मम्मी आप भी चलो, मैं बोली मैं नहीं जा पाऊँगी, क्योंकि मेरी पूजा रहेगी, मैं पूजा वगैरह करूँगी, तो मैं पूजा वगैरह करके चांद वगैरह देख के मैंने अपनी सोसाइटी में ही इंजॉय किया। सब आ गए थे, बोले नहीं आप मत जाओ, आप हम लोगों के साथ में रहो, तो मैं नीचे सोसाइटी में ही बातें कर रही थी, ढेर सारी बातें हुई रात में और खूब इंजॉय किया, बहुत अच्छा लगा। और घर से बाहर निकलने के बाद तो सारे दोस्त बाहर आ ही जाते हैं, ये तो सबको ही पता है। और बच्चे मेरे वहाँ से 10:30 बजे रात वापस आ गए थे, इसलिए मैंने ज़्यादा खाना कुछ नहीं बनाया था। चले आप लोगों से मिलती हूँ मैं दूसरे वीडियो में।